Everybody, very, very, very warm welcome to Vedanta Young Wanderers. As you all know, this is your master teacher Nago Bhattacharjee and guess what we are learning today. So this is the second session of Fiber to Fabric. I'm so sorry it took us me it, it took me so much time to re-record it and you know send the second session. I know the first session went like way way back, बहुत दिनों पहले session. And today we are the second session. Karne लेकिन ये दूसरे सेशन के बाद नवमिता मैम लाइव जरूर आएगी और हम क्या करेंगे मेगा वी तो डू नॉट फर्गेट टू वेट फॉर मी मेरे लिए इंतजार जरूर करना और मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊंगी हम बहुत सारे बातें करेंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों से इंतजार इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं आप लोगों से मिल पाऊंगी तो ये वेरी सुन आई एम गोइंग टू बी लाइव एंड मीट यू ऑल वी गोइंग टू हैव अ ऑफ फन राइट आराम

सुरभि मैम अपने सब्जेक्ट में भी इतिहास पढ़ाती है और अब देखो हमारे सब्जेक्ट में भी हमें इतिहास ही पढ़ना पड़ेगा गलत बात है यार सुरभि मैम को बताना जरूर ना अगले सेशन में जरूर सुरभि मैम को बोलना स्टाम करना जरूर क्लास में कि नवमिता मैम ने बोला है कि इतिहास उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, है ना जरूर बताना एनी वे ना हाउ अबाउट वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ थॉट है ना आज का हमारा थॉट क्या है देखो मुझे लगता है कि इट इज ऑलवेज इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल इट इज एग्जाम्पल दूंगा एग्जाम्पल दूँ आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूँ देखो इस साल हम लोगों ने शिक्षा सीरीज में क्या क्या कि हमने रिकॉर्डेड सेशन रखा लेकिन इससे पहले क्या कभी हमने सोचा था कि रिकॉर्डेड सेशन से इतना अच्छा पढ़ लेंगे रिकॉर्डेड सेशन में डाउट कैसे सॉल्व होगा लेकिन देखो यहाँ पे जब हम किसी का नाम नहीं लेते तो आप कितने अच्छे से पंद्रह बीस मिनट के अंदर अंदर या फिर एक घंटे में आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है लेकिन उस टाइम पे जब हम आप लोगों का नाम लेते थे जब हम लाइव आते थे तो चार पाँच घंटे में एक चैप्टर जाके खत्म हुआ था है ना ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था लेकिन जब हमने ट्राई कर लिया जब हमने ट्राई कर लिया और जब हम हमने, हमने अब करके दिखाया तो ये तो पॉसिबल है लेकिन इससे पहले हम सबको लग रहा था कि ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाएगी ऐसे कैसे पढ़ाई हो जाएगी मैं आपसे बात नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ाई हो जाएगी बट देखो पढ़ाई तो हो रही है, है ना तो यही बात होती थी, है ठीक है अब आगे बढ़ते लेटमी बारी आई एम श्योर दैट यू नो अबाउट मी बट माई नेम मेरा नाम है जी हाउ एवर आप लोग मुझे क्या प्यार से क्या बुलाते हो आप लोग मेरे को प्यार से बुलाते हो नो बिता है ना येस माई नेम इज नो बताओ मैम दट गिवन बाई यू आप ही लोगों ने मुझे प्यार से जो है ये नाम दिया है मेरा नोबिता मैम एंड यू कैन कॉल मी कई कई आप लोग माँ भी बुला रहे तो जो मन करे आप बुला सकते हो बस गालियां मत देना <laughs> बस गालियां मत देना और मैम जरूर बुला लेना ठीक है नोबिता भी मत बुलाना क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ तो मैम दीदी माँ जो भी वट एवर यू वॉन्ट आंटी बुलाना आंटी भी बुला सकते हो ठीक है वैसे तो आंटी की उम्र की हो गई मैं हाँ

और मैं आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पढ़ा सकती हूँ लेकिन वेदांतों में पढ़ाने का अलग मजा तो यहीं पे हूँ ठीक है ऑल्सो डी थिंकता मैम डी नो दैट आई एम बिरयानी मॉन्स्टर मुझे आप ना सुबह शाम दिन को रात को तीन बजे मेरे से ऐसे उठा के मेरे को बोलो बिरयानी खाएगी मैं बोलूँगी हाँ तो आई एम अ बिरयानी मॉन्स्टर एंड ऑल्सो आई एम अ ट्रैवल बग मुझे ट्रैवल करना पसंद है अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव स्लीपिंग आई लव स्लीपिंग आई एम नॉट किटिंग ऐसा भी मेरे साथ हुआ है कि मैं वेदांतों के क्लासेस के बीच में मैं ना लाइट वाइट ऑफ करके पॉड में सो गई और मेरा क्लास मिस हो गया तो दैट इज ऑल्सो हैपन नाउ इट डपन अब मैं अलार्म लगाकर सोती हूँ ठीक है सो दैट्स अबाउट मी एवरीबडीट मी ना आर यू ऑल रेडी क्या आप लोग सब तैयार हो इस क्लास के लिए अगर आप तैयार हो तो जल्दी से जरा जो है जल्दी से आप ला ला लिख दीजिए चार्ट बॉक्स में सो दे आई नो दैट यू ऑल आर रेडी एंड बाई द वे आज मैं आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन भी देने वाली हूँ तो जाइएगा कहीं नहीं एंड तक रुके होमवर्क क्वेश्चन देख जरूर जाना क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन का अगर आंसर आपने जल्दी जल्दी दे दिया तो आपका नाम इसी स्लाइड में अगले सेशन में आने वाला है ठीक है और अगला सेशन तो लाइव होने वाला है तो इसका मतलब है बहुत सारे बच्चों के क्या आप लोगों ने मेरी ये ये रील देखी अभी हाल ही में मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाला था ये सारी पहन के तो देखो ये साड़ी को अगर हम बहुत ही करीब से देखेंगे ना बहुत ही करीब से देखेंगे या फिर इस साड़ी के जो एंड को देखेंगे तो हमें बहुत पतले 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 धागा मिलेगा ठीक है और ये जो एकदम पतले से जो धागे है ना ये जो इतने छोटे छोटे इतने पतले पतले जो धागे हैं उन्हें पता है एक नाम से बुलाया जाता है किस नाम से बुलाया जाता है प्यार से इन्हें बुलाया जाता है फाइबर क्या बुलाया जाता है फाइबर

अब जब ट्विस्ट कर दिया तो ये एक ही जैसे लगने लगे तो ऐसे हम बनाते हैं यान क्या बनाते हैं हम बनाते हैं इनका यान यान बोले तो थ्रेड या फिर धागा या फाइबर से हमने यान बनाया ठीक है तो थ्रेड या यान सेम थिंग बाकी का डिफरेंस आप जब बड़े हो जाओगे और ज्यादा तब तो आपको समझ में आ जाएगी तो यहां पे मैं लिख देती हूँ यान ठीक है तो वॉट डू वी नो वी नो दैट फाइबर्स आर

बनाना पड़ेगा कहां से बनाएंगे ये यान या थ्रेड से बनाएंगे ठीक है तो इनको कैसे बनाएंगे इनके लिए हमारे पास दो दो ऑप्शन है हमारे पास या तो हम इसे वीव कर सकते हैं या तो हम इसे नीट कर सकते हैं नो अब बॉक्स में सब बोल रहे हैं ठहरो अब आप क्या बोलोगे सॉरी डिड यू वॉच क्या आप लोग बचपन में शक्तिमान देखते थे मैं बहुत देखती थी शक्तिमान और मुझे ना बचपन में बड़ा मन था एक बार तो दुर्गा पूजा में मैं दुकान के सामने बैठ गई और मम्मी पापा से जिद करने लगी कि मेरे को शक्तिमान का अगर ड्रेस नहीं दिलाया तो मैं घर नहीं जा रही हूँ शुक्र है कि मम्मी पापा ने दिलाया नहीं वरना बचपन के उस फोटो को लेकर अभी तक रो रही होती मैं कि ये गंदा सा ड्रेस मैंने पहना क्यों है बट नो 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 किरिंग उस टाइम पर मुझे शक्तिमान का ड्रेस बहुत पसंद था ना बहुत पसंद था तो बताती हूँ आप लोगों को ठीक है अभी थोड़ी देर में बताते पहले ये पढ़ लेते हैं ठीक है तो दो प्रोसेस होते हैं या तो वीविंग या तो knitting, आप फैब्रिक बना सकते हो तो फिर फैब्रिक को काट कूट के इधर उधर से सिल्क विलक कुछ ना कुछ करके हम उसे ऐसे कपड़ों में मतलब टेलर भैया के पास भी जाना होता है ऐसे करके फिर हम अपना कपड़ा बनाते हैं ठीक है थीके? आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए ठीक है

इसको इस तरह से स्पिन किया जा रहा है ठीक है इस तरह से स्पिन किया जा रहा है है ना तो स्पिन कर करके स्पिन कर करके उसका हमने यान बनाया क्या बनाया उसका हमने यान बनाया ठीक है right. तो अब हम क्या करेंगे अब हमने यान बना लिया मतलब हमारे पास धागा जरूर है ठीक है लेकिन धागे का क्या करना है हमें हमें उस धागे से क्या बनाना है हमें कपड़ा बनाना लेकिन उससे पहले क्या आप लोगों को गांधी जी का इमेज याद है अगर मैं आपको बोलूं कि जरा गांधी जी द मोमेंट ऐसे महात्मा गांधी जी तो उनका एक इमेज आता है कि छोटी सी एक धोती पहने हुए हैं और चरखे के साथ कुछ कर रहे हैं ना तो वो चरखा उन्होंने ही popular बनाया था द वे आपको पता है कि नहीं पता है ये चीज तो चरखा को पॉपुलर बनाने वाले थे हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी तो चरखा एक चक्के की तरह है ना इट्स व्हील पहिए जैसा है ठीक है पर ये जैसा उसमें आप स्पिन कर सकते हो उसमें भी आप जो है फाइबर्स को स्पिन कर सकते हो ठीक है या तो फिर आपके पास आजकल ना ये बड़े 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 मशीन भी होते हैं ठीक है ये 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 देख हो आप जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं इन्हें बोला जाता है स्पिनिंग स्पिनिंग तो ये मशीन्स के हेल्प से या तो चरखा चरखा इज हैंड हेल्ड चरखा हाथ वाला डिवाइस है मतलब आपको हाथ से मैन्युअली काम करना पड़ता है लेकिन एक स्पिनिंग मशीन में मशीन के काम से वो आराम से हो जाता है ठीक है वो आराम से हो जाता है अंडरस्टूड अब ये स्पिनिंग विनिंग करकुरा के ठीक है स्पिनिंग विनिंग करकुरा के हम हाँ, फैब्रिक बनाएंगे लेकिन उससे पहले कॉटन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है डू यू नो देखो कॉटन इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल जब आपको कोई और सिंथेटिक फाइबर बनाना होता है ना जैसे कि लिनन uh, हो गया लिनन इज नॉट एक्चुअली सिंथेटिक यू नो देर आर अदर मटीरियल्स लाइक पॉलीकॉटन जिसमें पॉलीएस्टर और कॉटन को जोड़ दिया जाता है ना तो कॉटन को टेक्सटाइल टेक्सटाइल बोले तो कपड़े के इंडस्ट्री ठीक है कपड़े के इंडस्ट्री में जो है ये कॉटन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है ठीक है एज एन ऑब्जॉर्बिट इन हॉस्पिटल देखो हॉस्पिटल में खून बहुत होता है या फिर बहुत सारे अलग अलग सोल्यूशन को यूज करना पड़ता है तो उस टाइम पे किसी एक कपड़े के साथ तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कोई एक कपड़ा ऐसा हो जो ऑब्जॉर्ब करता हो कोई एक कपड़ा ऐसा हो जिससे वो साफ कर सकते चीज़ों को एंड विच इज दैट क्लोथ इट इज कॉटन ठीक है एस इन मैट्रेस आपके मैट्रेस में या पिलो में या जो ब्लैंकेट होते हैं उसके अंदर भी कॉटन को ठूस टूस के डाला जाता है कि नहीं एंड इट बिकम सो फ्लफी कितना मजा आता है हाय और मैं क्या बताऊ बच्चा लोग मैं क्या बताओ मेरे प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे यार बैंगलोर का वेदर अभी अगर आप लोगों को कहीं जाने का मन कर रहा है ना तो बैंगलोर आना चाहिए आपको एक तो बारिश हो रही है इतना प्यारा मौसम है और हम अभी भी ब्लैंकेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं डिड यू नो अबाउट इट येस इन फैक्ट टुडे वेन आई वॉज कमिंग टू ऑफिस मैं तो थोड़ा सा ना एक, एक स्वेटर जैसा कुछ टॉप पहन के आई हूँ नॉट गेटिंग अबाउट इट सीरियसली अगर आप हॉलीडे मनाना चाहते हो तो अभी आप बैंगलोर आया करो येस yes. और बैंगलोर में जो है आप ये कोई मतलब कोई ब्लैंकेट वैंकेट का भी लुफ्त तो जरूर उठा सकते हैं तो बैंगलोर आ जाओ बैंगलौर तो हॉलीडे मनाना है, तो बैंगलौर जरूर आना ठीक है एनीवे anyway, आगे बढ़ते हैं चौथा पॉइंट एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन एंड पेपर इंडस्ट्री रेयन बनाने के लिए या फिर पेपर की इंडस्ट्री में जो है एक रॉ मटेरियल के रॉ मटेरियल के जैसा यूज होता है हमारा कॉटन ठीक है यस तो हमारा कॉटन हमने देख लिया है कि काफी काफी ज्यादा यूजफुल है ठीक है

और यहां पे एक सुई है यहां ये ये, ये जो, ये जो इसने घुमाया ना इस ये सुई है तो ये सुई से क्या करता है इसको एक बार ऐसे लेके जाता है और फिर एक बार ऐसे लेके जाता है ठीक है इस तरह से कपड़ा तैयार हो जाता है इस तरह से क्या होता है कि त, कपड़ा तैयार हो जाता है और ये देखो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू और मोर मैं आपको एक और चीज दिखाती हूं ये देखो हा ये देखो ग्रीन कलर के पेपर को किस तरह से रखा गया है ना टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम ग्रीन कलर का ये देख रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने क्या किया है ना मान लो ये ग्रीन वाला है ठीक है ये ग्रीन वाला तो हमने क्या किया रेड वाला लिया रेड वाले को पहले ये देखो नीचे से ऐसे किया फिर इसको ऊपर से ऐसे किया फिर इसको ऐसे इस तरह से ऐसे कर दिया हमने ठीक है ऐसे करके डाल दिया अब हम क्या करेंगे हम दूसरा धागा लेंगे अब दूसरे धागे को भी देखो हमने ऊपर से नीचे से ऐसे करके फिर ये कर दिया हमने ठीक है ये कर दिया अब फिर तीसरा धागा लिया उसको भी हमने जो है उसको भी हमने कुछ इस तरह से डाल दिया ठीक है उसको भी जो है हमने कुछ इस तरह से ऐसे करके कर दिया अब इस तरह से देख हो एक पैटर्न बन रहा है कैसे डू यू सी अ पैटर्न हियर एग्जैक्टली exactly. तो ये जो पैटर्न होता है दिस इज दैटर्न दैट इज वेरी यूजफुल इन वीविंग और वीविंग में ऐसा ही पैटर्न बनता है बट जस्ट बिकॉज वो पतले पतले धागे से बनता है हमें लगता है कि नहीं भाई कुछ तो और ही करते होंगे ऐसा लेकिन ऐसा नहीं है ये देख रहे हो तो टॉप टू बॉटम एक थ्रेड होता है और एक नीडल से जो है वो ऐसा स्वीण, स्वीण.

That is called as weaving. अब जो करी है, वो लूम्स में जाती है कुछ बना हुआ है इस पर कर रहे हैं ना तो क्योंकि वो हाथ से कर रहे हैं और ये जो पूरा फ्रेम बना हुआ है उसे बोलते हैं लूम उसे बोलते हैं लूम ठीक है ये जो फ्रेम है इसको बोलते हैं लूम और क्योंकि ये अंकल जो है अंकल हाथ से कर रहे हैं तो ये बन गया आपका क्या ये बन गया आपका हैंड लूम आपकी मम्मी से जरा पूछो कि हैंडलूम की साड़ियाँ है कि नहीं आपके मम्मी के पास आपकी मम्मी बताएगी उनके पास हैंडलूम की साड़ियां जरूर होगी और ये यूं जो हम नॉर्मल वाली जो साड़ियां पहनते ना ना जो ऐसे ही आ जाता है दुकान से खरीद के लेके आते हैं जो हैंडलूम वाली नहीं होती उन्हें बोला जाता है पावर लूम क्या कहा जाता है उन्हें पावर लूम बोला जाता है उन्हें ठीक है ओके okay. तो हैंडलूम और पावर लूम समझ आ गया पावर लूम मतलब इलेक्ट्रिसिटी या किसी पावर से चलता है बच्चा ठीक है पावर का पावर का इस्तेमाल करके जब लूम में आप वीव कर रहे हो कपड़े बना रहे हो तो दैट इज पावर लूम और अगर आप हैंड से अंकल के तरह यहां पे अंकल जैसे कर रहे हैं इस अंकल के तरह या फिर चाचा जैसे आप चाचा जी जैसे यहां पे बना रहे हैं ना ऐसे चाचा जी जैसे अगर आपने ये फ्रेम इस्तेमाल करके अपने हाथों से बनाया तो वो हैंड लूम ठीक है अंडरस्टूड अब वीविंग विद पेपर स्ट्रिप कौन कौन करने वाला है जरा मेरे को चार्टॉक्स में अभी बता दो आर यू गोइंग टू डू दिस ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके बताओगे मेरे को आप ये खुद करके मेरे को इंस्टाग्राम पे आप फोटो भेजना ठीक है इंस्टाग्राम पे आप अपने स्टोरी में पेपर से वीविंग करके आप डालेंगे और आप मुझे टैग करेंगे बताओ करोगे कि नहीं करोगे येस आई विल री शेयर दैट फोटो दैट्स योर असाइनमेंट एवरीबॉडी अब आप पूछोगे कि मैम आपके इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है राइट right? तो चलो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं आपको बता देती हूँ एंड वेट हाँ दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट ठीक है दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल नंडरस्को नो मिता यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी एंड यू गैस डू लेट मी नो अबाउट कि क्या आपने ये चीज करी है कि नहीं करिए ठीक है थीके? और अगर गलती से होमवर्क क्वेश्चन देख लिया तो भागो मत होमवर्क क्वेश्चन में बताने वाली हूँ एनी anyway, वे और दूसरा प्रोसेस वीविंग के अलावा दूसरा प्रोसेस क्या है दूसरा प्रोसेस है निटिंग. निटिंग मतलब बुनाई क्या आपने अपनी दादी नानी ऐसे किसी को या फिर मम्मी, मम्मी बुआ चाची किसी को पापा पापा भी हो सकता है मतलब कोई मर्द भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें करते हैं आजकल आजकल लड़के भी करते हैं ठीक है थीके? क्या आपने कभी किसी को ऐसे बुनाई करते हुए देखा स्वेटर बनाते हुए हाँ तो जो स्वेटर बनता है ना वो एक ही थ्रेड से बनता है देखो वो एक धागा लेते हैं और उसको दो स्टिक्स में ना कभी ऐसे कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे यू यूं यूँ यूँ यू, करके करके वो पूरा स्वेटर बनाते थे एंड दैट इज कॉल्ड एज निटिंग नो निटिंग इज जनरली यूज फॉर वुलन वेयर निटिंग क्या करी जाती है निटिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है सर्दियों के कपड़े बनाने में मतलब स्वेटर वाले कपड़े ऊन वाले कपड़े बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब कॉटन का नहीं बना सकते आप कॉटन भी बना सकते कॉटन को भी आप निट कर सकते थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा बट दैट इज़ वाई यू ऑल्सो हैव निटिंग मशीन्स तो हम निटिंग मशीन्स का हेल्प लेते हुए वी कैन डेफिनेटली मेक्सअप

हो सकता था मेरे पास नहीं ना तो बहुत, बहुत 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 पुराने साल पहले बहुत हजार दो हजार साल पहले वी एक्चुअली डिड नॉट वेयर इन फैक्ट उसके अलावा हम क्या पहनते थे हम पेड़ों के खाल पहनते थे बाक द स्किन ऑफ द ट्री वट इज बार बाक इज द स्किन ऑफ द ट्री लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू ऑल ठीक है उन फॉर यूट का मतलब होता है ट्री ठीक है हम या फिर बहुत ही बड़े बड़े जो पत्ते होते थे वो पहनते थे या फिर एनिमल की स्किन यस हिरन विरणन का शिकार हो जाता था शेर वेर का शिकार हो जाता था वुल्फ और foxes की शिकार हो जाते थे और उनके जो मोटे मोटे जो जो चमड़े होते थे ना उनको हम पहनते थे सर्दियों के मौसम में अपने आप को कवर करने के लिए लेकिन उसके बाद क्या हुआ धीरे 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 हम लोगों ने जो है हम लोग थोड़ा हो गए हमने सोचा कि यार एक ही जगह पर रहता ना बार बार नहीं मूव करना हमें तो हम एक ही जगह पर रुके और जब हम एक ही जगह पर रुके तो हमने क्या किया हमने खेती करना शुरू कर दिया अग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गई तो जब अग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गई जब हमने खेती करना शुरू कर दिया तो हमने देखा कि देर आर वेज कि हम ऐसे वाइन्स वाइन्स होता है वो जो जैसे मनी प्लांट नहीं होता जो यूं यू 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 इस तरह से चढ़ चढ़ के चलता रहता है है ना इस तरह से चढ़ते चढ़ते जो उगता है प्लांट्स ये देखो जैसे मैंने ये बना दिया है ना जैसे ग्रेप्स ग्रेप्स के वाइंस होते हैं है ना ग्रेप्स के वाइंस होते हैं तो इनको हमने ट्विस्ट कर करके इनको हमने ट्विस्ट कर करके कुछ तो कपड़े जैसा बनाया कुछ तो कपड़े जैसा बनाया और हमें लगा कि भाई ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है हम ये क्यों नहीं करते हम ये क्यों नहीं करते हैं? हम ये शुरू कर देते और जब से हमने ये शुरू किया तब से हमने थोड़ा सा जो है पेड़ का खाल वाल पहना छोड़ दिया और धीरे 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 हमने क्या किया धीरे धीरे हमने क्या किया हमने एक कॉटन उगाना शुरू कर दिया तो सबसे पहले इंडिया में गंगा नदी के पास गंगा नदी के किनारे हमने क्या क्या हमने कॉटन उगाया हमने कपास उगाए और उस कपास का हमने कपड़ा बनाया हमने कॉटन का कपड़ा बनाया वी मेड आउट ऑफ कॉटन एंड क्लोथ कॉटन वे टू लुक बैक हमने पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं हमें पता था कि अब तो कपड़ा बन गया अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम सिविलाइज्ड होएंगे और और हम आगे बढ़ते रहेंगे है ना तो ये हुआ और ये सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड में भी एंशियंट इजिप्ट पुराने जमाने के इजिप्ट में लोगों ने फ्लैक्स उगाया आप पूछोगे फ्लैक्स क्या है तो बच्चा इंटरनेट पे जाके कभी देखना कि फ्लैक्स सीड फ्लैक्स की सीड आती है विच इज एक्चुअली कंसिडर टू बी सुपर फूड आजकल जो ये लोग डाइटिंग वाइटिंग करते रहते हैं ना जो बोलते रहते हैं कि अरे ये नहीं खाना चाहिए वो खाना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए वो खाना चाहिए एक्चुअली इट्स 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 गुड गुड आई मीन फॉर Good to know the गुड टू नो दूट्रिश न्यूट्रिशन what you should eat and what you should not eat but ये एक चल रहा है तो ये जमाने में लोग यू गूगल इट आउट यू विल फाइंड हाउ डज द फ्लैक सीड लुक लुक लाइक तो फ्लैक्स को सॉरी फ्लैक्स को उगाया गया था पुराने एंशियंट इजिप्ट में कहा नाइल नदी के किनारे नाइल नदी के किनारे फ्लैक्स उगाया गया था और फ्लैक्स से जो फाइबर मिली थी और या फिर जो फैब्रिक मिली थी उसे बोला जाता है लिनन फ्लैक्स लिनन फ्लैक्स लिनन मिलता है ठीक है फ्लैक्स लिनन इज द फैब्रिक दैट वी मेड आउट ऑफ फ्लैक्स ठीक है

ज टकली चरखा हथकरघा या फिर बोथ ए एंड बी आप इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आप एकदम फास्टेस्ट फाइव हुए तो आपका नाम आ जाएगा आपके अगले स्लाइड में ठीक है

आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आई एम श्योर कि आपके मम्मी पापा को आपसे आपके आपसे आप बहुत ज्यादा सवाल होंगे आपके मम्मी पापा आपसे पूछेंगे कि हम ऑनलाइन पर भरोसा नहीं करते ऑनलाइन पर क्यों भरोसा करें ऑनलाइन पर टीचर पता नहीं क्या कर लेगा ऑनलाइन पर टीचर पढ़ाएगा नहीं अच्छे से कोर्स कंप्लीट नहीं होगी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा और ऑनलाइन पे टीचर्स क्या इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं हाँ ले सकते हैं पता है कैसे बोल सकती हूं मैं कि हाँ हम ले सकते हैं ऑनलाइन पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलचाली बाई क्या आपने वेदांतों का रिजल्ट देखा है Have you seen the result that has brought? पूरे इंडिया में एक बार जाके सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट देखो और फिर एक बार देखो कि सिक्स परसेंट ऑफ दिस ये आई आई टी एंस जो निकलेंगे ना इस साल के ये yes. 2021 से लेके 2024 तक पढ़ने वाले जो आईआईटी के बच्चे हैं पूरे इंडिया में उनका 6% परसेंट सिर्फ और सिर्फ वेदांतों से गया है और अगर हम एक इतने बड़े सीरियस एग्जाम का रिजल्ट ले आ सकते हैं तो भाई 6 टू 8 का भी ला सकते हैं इतना ही नहीं 6 टू 8 का रिजल्ट देखना है ओलंपियाड का रिजल्ट देखा है आपने देखा है ओलंपियाड का रिजल्ट जाओ जाके देखो ओलंपियाड केवीपीवाई आईजेएसओ आई एम ओ पी आर एम ओ मैथमेटिक्स ओलम्पियन और नीट नीट का रिजल्ट देखा है ये साल के जो नीट मतलब जो डॉक्टर्स निकलेंगे ना 2024 में उनके पाँच परसेंट सिर्फ और सिर्फ वेदांतों से ये हमारी रिजल्ट है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और आज भी है तो जब हम पढ़ाते हैं हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं या हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कड़ी है एकदम कड़क है हमें पता है कि हमें पढ़ाना है हमें पता है कि हमें रिजल्ट निकालना है और अगर आपके पेरेंट्स को कोई भी डाउट हो कोई भी डाउट हो तो ये देखो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बौक, बॉक्स में वीडियो में यहां पे एक टिकर चल रहा है इस पर एक नंबर दिया हुआ है जो कि मेरे टीम की व्हाट्सएप नंबर है इट इज व्हाट्सएप नंबर ऑफ माय टीम एंड व्हाट इज द नंबर द नंबर इज एट नाइन फाइव डबल वन सेवन थ्री सॉरी फाइव डबल वन एट थ्री सेवन जीरो थ्री एट थ्री सेवन जीरो थ्री तो ये मेरी टीम की व्हाट्सएप नंबर है जो वहां पे बैठे हैं अगर आपको कोई भी डाउट है अगर आप जांच करना चाहते हैं परखना चाहते हैं पहले कोर्स खरीदने से पहले तो श्योर गो हेट आस्क योर पेरेंट्स टू जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज हम ये भी नहीं चाहते कि आप एक रुपया जो है मैसेज के हिसाब से भी खर्च करो पहले आप व्हाट्सएप पे अपने मम्मी पापा को बोलो इस पर मैसेज करें यहां पे जब आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आप कोर्स खरीद सकते हो और बाय द वे आपको पता है कोर्स की प्राइस कितनी है आपको पता है कोर्स की प्राइस कितनी है कोर्स की प्राइस है पूरे साल भर के लिए पूरे साल भर के लिए पता है कितना फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का आपके पूरे साल भर का कोर्स होता है तो मतलब आप एक महीने में स्पेंड करते हो सिर्फ और सिर्फ थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज भाई तीन सौ तीन सौ रुपए में आपकी एक महीने की पढ़ाई हो रही है आप मेरे को बताओ कि आपके शहर में एक टीचर एक सब्जेक्ट के कितने रुपए लेते कम से कम दो सौ और यहां पे एक, रुप, एक सौ रुपया ज्यादा देके आप महीने भर का पढ़ रहे हो वो भी तीन सब्जेक्ट मैथ्स मैथ्स इंग्लिश एंड साइंस साइंस मैथ्स, इंग्लिश हम आपको पढ़ाएंगे सिर्फ और सिर्फ महीने के थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज में विच फॉर वन होल ईयर इज फोर तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ऑल आर टीचर्स आर फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस लाइक आई एंड एन एंड आई एंड यू नो ऑल ऑफ दीज आपने सना मैम को देखा है एन से आई एम फ्रॉम आई गुवाहाटी हरी प्रिया मैम इज फ्रॉम पाण्डिचेरी यूनिवर्सिटी सर जस्ट लुक एट आज वी आर ऑल फ्रॉम सच गुड कॉलेजेस वी कैन गाइड यू वी कैन हेल्प यू ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गेट टू द कोर्स विच इज ओनली फॉर फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और चार हजार भाई आप जिस फोन पर पे मेरे पे को देख रहे हो ना भाई जिस फोन पर फेसबुक चलाते हो इंस्टाग्राम चलाते हो और यूट्यूब चलाते हो सर एक बार बात बताओ कि वो, वो फोन की प्राइस कितनी है कितनी है मिनिमम आठ हज़ार की फोन आप खरीद चुके हो ना आठ हज़ार के फोन मिनिमम उसके अलावा भी बहुत लोगों के पास आईफोन होता है बहुत लोगों के पास वन प्लस होता है बहुत लोगों के पास ब्ला, ब्ला 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 बहुत सारे और भी फोन होते हैं है ना जो कि पंद्रह हजार बीस हजार तो भाई साढ़े चार हजार रुपए क्या आप अपने एजुकेशन में नहीं लगा सकते आपको मेरे से पढ़ना है ना यू वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम मी डील जस्ट फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड थ्री हंड्रेड ट यू हैव टू पे नो हिडन चार्जेज नथिंग एल्स यू आर गोइंग टू गट योर असाइनमेंट यू आर गोइंग टू गेट योर टेस्ट यू आर गोइंग टू गेट पी डी एफ आपके क्लास में क्लास टीचर्स रहेंगे जो आपका डाउट सॉफ सॉल्व करेंगे उसके अलावा आपको वीक एयर में आपको कभी भी कोई दिक्कत आया आप मेल डाल सकते हो स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर आपके पास रहेगा और क्या चाहिए इतना काफी नहीं है पढ़ाई करने के लिए हा इतना काफी है ना तो भाई डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग क्योंकि ये जो है ये लॉन्च प्राइस है अभी एक महीने के अंदर अंदर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी डबल हो जाएगी तो तब आप बोलोगे कि अरे मैम तब कोर्स नहीं लिया तो जल्दी से ले लो डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग और अगर आपने ये ले लिया तब क्या हो जाएगा कि प्राइस क्यों बढ़ेगा पता है क्योंकि हमारे सीट्स अवेलेबल नहीं होंगे जब सीट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हमें दोबारा चीजों को बढ़ाना पड़ेगा हमारा टाइम और ज्यादा लगेगा इसीलिए प्राइस बढ़ जाएगी